आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी समीकरण गड़बड़ा चुका है। उद्धव सरकार पर संकट साफ है और इस संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले से मुलाकात की। सीएम आवास वर्षा में दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। इससे पहले उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए लोगों के सामने आए और इमोशनल कार्ड खेला। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्यांनी गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। उद्धव एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश में दिख रहे हैं तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी अड़े हैं। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके उद्धव ठाकरे के आगे बड़ी शर्त रखी है। एकनाथ शिंदे ने लिखा कि उद्धव महाअघाड़ी से अलग हों, इससे शिवसेना को नुकसान हुआ है। उनका दावा है कि उनके साथ 46 विधायक मौजूद हैं। शिवसेना ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटाकर अजय चौधरी को नया नेता चुन लिया, तो गुवाहाटी के होटल में बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुनकर इसे चुनौती दे दी। 34 विधायकों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी। बीजेपी फिलहाल खामोश है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के घर पर हलचल तेज दिखी। ये जो चल रहा है ये अंदरूनी मामला है शिवसेना का, उससे भाजपा का क्या लेना देना है, हम तो संपर्क में रखेंगे। सियासी संकट के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार कल एक बार फिर पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच वार पलटवार भी जोरों पर है। कल तक एकनाथ शिंदे गुट के साथ दिख रहे शिवसेना विधायक नितिन देशमुख आज महाराष्ट्र लौट आए। सूरत से नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अगवा किया गया था। 20-25 पूरी ने जबरदस्ती ने कोई किसने टंगड़ी पकड़ाई, किसने कमर पकड़ाई, किसने हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला और मेरा सरकारी अस्पताल में लिया। महाराष्ट्र के सियासी हालात पर फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि सभी बागी विधायक पहले सूरत में थे और अभी गुवाहाटी के होटल में हैं। दोनों ही शहर बीजेपी शासित राज्य के हैं, इसीलिए विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे बीजेपी की तानाशाही करार दिया। इनके दिल में डेमोक्रेसी की जगह ही नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए ये आज तमाशा आप देख रहे हो और ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। देश जिस दिशा में जा रहा है बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ जा रहा है। उधर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले एकनाथ शिंदे अपने साथ 46 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना गठबंधन को भरोसा है कि सरकार नहीं जाएगी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंच गए हैं। मंगलवार रात सूरत से गुवाहाटी रवाना होने से पहले शिंदे ने बागी विधायकों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई और दावा किया कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। ग्रुप फोटो में शिंदे के साथ 34 विधायक नजर आए। रात करीब 2 बजे सभी विधायक सूरत एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान एक एक विधायक को गुजरात पुलिस एस्कॉर्ट करके एयरपोर्ट के अंदर ले गए। सूरत से गुवाहाटी पहुंचते ही एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायक हैं। 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। बागी विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने के बाद असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी होटल पहुंचे और सुबह 6:30 बजे तक वहीं रहे। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ एक प्रस्ताव भी पास किया। 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव में एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधानमंडल दल का नेता चुना गया। शिंदे ने नया चीफ व्हिप भी बना दिया और शिवसेना पर अपना दावा ठोक दिया। शिंदे ने शिवसेना के 39 समेत कुल 46 विधायकों के साथ का दावा किया और राज्यपाल से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जारी कांग्रेस के सत्याग्रह में आज राहुल गांधी भी शामिल हुए। अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ धोखा बताते हुए राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी को ये जो नया अग्निपथ का स्कीम है इसको वापस लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान का हर युवा हमारे साथ इस काम में खड़ा मिलेगा। बिहार में भी विपक्ष ने अग्निपथ योजना के खिलाफ राजभवन तक मार्च किया। इस मार्च में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हुई। 4 साल बाद वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? जो धन सेठ हैं मोदी जी के या बीजेपी के, वहां जाकर के
चौकीदारी का काम करेंगे। Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.